गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार छात्रा। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 3 को अरु हु इज हेल्दी। नाउ सी, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। हम रीड करेंगे और उसका ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक पक्षी अस्ति, एक बर्ड है, पक्षी है। सह आकाशे अत्र तत्र गच्छति। सह मीन्स वो, आकाशे स्काई में, अत्र तत्र यहाँ वहाँ, गच्छति जाता है। सह पुनः पुनः वदति, को अरु कह निरोग भवति। सह मीन्स वो, पुनः पुनः, अगेन इन अगेन, वदति मीन्स बोलता है, को अरु मीन्स हु इज हेल्दी, कह निरोग भवति, हु इज विदाउट एनी डिजीज, मतलब कौन हेल्दी है, कौन है जो बिना किसी डिजीज का, बिना किसी रोग का है। नाउ हम उसका ट्रांसलेशन देखेंगे वन बाय वन। देयर इज अ बर्ड, इट गोज हियर एंड देयर इन द स्काई, इट स्पीक्स अगेन एंड अगेन, who is healthy, who is without any disease. Now second para, pakshi varam varam atati, bird varam varam door to door atati humta hai, ekam eva prashnam pruchati, ekam ek hi, evam hi प्रश्नम प्रश्न पूछती पूछता है। जनाहा उपहासम कुर्वन्ती, जना मीन्स लोग उपहासम मजाक उड़ाते हैं, कुर्वन्ती करते हैं। को अपि उत्तरम न ददाती, कोई भी आंसर नहीं देता। पक्षी निराशः भवति, और बर्ड दुखी हो जाता है। नाउ ट्रांसलेशन हम करेंगे। द बर्ड वंडर्स डोर टू डोर, इट आस्क ओनली वन क्वेश्चन, पीपल रिडिकुलस इट, नोबडी आंसर इट, द बर्ड बिकम डिसअपॉइंटेड। नाउ सी थर्ड पैरा, सह वनम गच्छति वृक्षे उपविशति च। सह मीन्स वो, वनम इन द फॉरेस्ट, गच्छति जाता है, वृक्षे ऑन द ट्री, उपविशति बैठता है। वृक्षस्य अधः वैदर्शी वाग्भटः अस्ति, वृक्षस्य पेड़ के अधः नीचे, वैद्यर्षि मीन्स ऋषि, वाग्भट है। पक्षी पुनः वदति, पक्षी वापस बोलता है, वदति मीन्स बोलता है, कोरुप कोरुप इति, वाग्भट सुनोति, वापस बोलता है, कौन हेल्दी है, कौन हेल्दी है, और ऋषि वाग्भट वो सुनते हैं। हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। इट गोज इन द फॉरेस्ट एंड सिट्स ऑन अ ट्री, देयर इज वैद्य ऋषि वाग्भट अंडर द ट्री, द बर्ड अगेन स्पीक्स, हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी, वाग्भट हियर्स इट। नाउ फोर्थ पैरा, सह वदति हित बुक मित बुक रुत बुक इति, अर्थः अस्ति यह हितकारी भोजनम करोति,
यह मित भोजनम करोति मीन्स स जो नीचे पेड़ के नीचे बैठे ऋषि बापट वदती बोलते हैं कहते हैं हित बुक मीन्स जो बैलेंस डाइट लेता है जितना जरूरत होता है उतना लेता है मित बुक जो लिमिटेड डाइट लेता है मीन्स ज़्यादा नहीं लेता ज़्यादा खाना नहीं खाता जैसे खा करते वैसे ऋतु और जो सीजन के अकॉर्डिंग खाना खाता है वो तो अर्थ हो मीन्स इसका मतलब होता है यह जो हित बुक है उसका उन्होंने डिटेल में दिया है हितकारी भोजनम करोति हित बुक बैलेंस डाइट करता है मतलब जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है वैसा खाना हेल्दी फूड लेता है यह मित भोजनम करोति और जो लिमिटेड खाना लेता है जितना ज़रूरत है उतना ही यह ऋतु अनुसारम भोजनम करोति और जो सीजन के हिसाब से खाना खाता है वो सह एव निरोगः भवति इति वो ही निरोगी रहता है संतुष्टः पक्षी ऋषि समीपम आगच्छति खुश होकर पक्षी ऋषि के पास समीपम पास आगच्छति आता है सह ऋषिम नमति अनंतरम स्वस्थानम गच्छति ऋषि को प्रणाम करता है और बाद में अपने जगह चला जाता है तो हम पूरा इसका ट्रांसलेशन करेंगे He says, balanced meal eater, limited meal eater and eater according to the season. That means the person who takes balanced meal, who takes meal in proper quantity, who takes meal according to the season, it remains healthy. The satisfied bird comes to the Rishi, it bows to the Rishi, then it goes to its own place. Okay, have a nice day, student.